हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पेट के अंदर छोटी आंत में सूजन यानी कि एंटेराइटिस की समस्या हो तो ऐसे में आपको क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप जब कुछ भोजन करते हैं, खाते हैं, तो वह आपके फूड पाइप से, आहार नाल से होता हुआ आपके आमाशय यानी स्टमक के अंदर आ जाता है और स्टमक में भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और उसके बाद भोजन छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत में ही भोजन का डाइजेशन यानी कि पाचन पूरा होता है। आपकी छोटी आंत की दीवारें पोषक तत्वों को सोख कर आपके खून के अंदर डाल देती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि छोटी आंत के अंदर सूजन या इन्फ्लामेशन की समस्या हो जाती है और ऐसा होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयों का या शराब का सेवन करना, छोटी आंत में खून का दौरा सही ना होना। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं जिसके कारण कि छोटी आंत में सूजन आ जाती है। छोटी आंत में सूजन का कारण यदि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो तो ऐसे में आपको बुखार होगा, जी मिचलाना, भूख ना लगना, उल्टी होना, पेट में दर्द मरोड़, पेट में आवाजें आना, इसके अलावा दस्त या लूज मोशन की शिकायत रहना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, यदि आपके छोटी आंत में सूजन का कारण वायरल इन्फेक्शन है तो ऐसे में यह बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है। ऐसे में आपको भरपूर मात्रा में पानी और दूसरे तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको छोटी आंत में सूजन हुई है या छोटी आंत में इन्फेक्शन हुई है तो ऐसे में 2, 3 या 4 दिन से ज़्यादा आपको उल्टी दस्त हो रहे हों और पेट में असहनीय दर्द बुखार की शिकायत हो तो ऐसे में तुरंत आपको मेडिकल सहायता के लिए जाना होता है। खासकर तब जब आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो, आपके मल के साथ खून या बलगम जैसा पदार्थ निकल रहा हो लगातार, तो ऐसे में आपको डॉक्टरी सलाह और जांच ज़रूर करवानी चाहिए। दोस्तों, छोटी आंत में इन्फेक्शन की समस्या यदि 2-4 दिन के अंदर ठीक नहीं होती तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया, यदि छोटी आंत में सूजन या छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाना के कारण आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने की शिकायत हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकावट रहना, बिल्कुल भी उठने का मन ना करना, आलस में भरे रहना, पेशाब का कम आना और बहुत पीले रंग का या लाल रंग का पेशाब आना, चक्कर आना, इसके अलावा लाइट हेडेडनेस की समस्या होना, जैसे कि आप कहीं बैठे हैं तो अचानक खड़े होते हैं तो आपका सिर चकरा जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आमतौर पर छोटी आंत में जब इन्फेक्शन हो या सूजन की समस्या हो तो यदि आपको 3-4 दिन में आराम नहीं मिलता तो आपको मेडिकल सहायता के लिए जाना चाहिए। और यदि आपके मल में से खून आ रहा है, आपको बहुत तेज़ बुखार है, 101 से ऊपर बुखार चल रहा हो लगातार, तो ऐसे में भी मेडिकल सहायता के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, छोटी आंत में सूजन या इन्फेक्शन की समस्या एक गंभीर नुकसान पैदा करती है और वो होता है शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, जो कि उल्टी दस्त द्वारा आपके शरीर से तेज़ी से निकलने लगता है। आपको बुखार के साथ पसीना आने पर भी यह जो पानी है वो निकलता जाता है आपके शरीर से, तो ऐसे में आगे चलकर यदि डिहाइड्रेशन का सही इलाज ना किया जाए तो किडनी, आपके दिल और लीवर फेल हो सकते हैं और गंभीर स्थिति में शरीर में पानी की कमी डेथ भी करवा सकती है, यानी कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यदि छोटी आंत में इन्फेक्शन या सूजन होने की समस्या के इलाज की बात की जाए तो डॉक्टर आमतौर पर आपको
पेट में यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देता है, साथ में शरीर में पानी की कमी है तो आपको आईवी फ्लूइड लगाया जा सकता है, यानी कि ग्लूकोज चढ़ाना। और गंभीर स्थितियों में यदि सर्जरी की ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो डॉक्टर को वह भी करना पड़ता है। इसलिए जो लक्षण हमने आपको आज बताए इस वीडियो के अंदर, यदि आपको वैसे लक्षण महसूस हों तो तुरंत आपको मेडिकल सहायता के लिए जाना चाहिए। कभी भी ऐसे में आपको दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, बुखार हो, तो ऐसे लक्षणों को हल्के में ना लें। और 3 से 4 दिन में यदि आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो तुरंत आपको मेडिकल सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि छोटी आंत में सूजन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसके क्या लक्षण होते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। दोस्तों, आमतौर पर जो छोटी आंत की सूजन होती है वह 1 या 2 हफ्ते में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते में ठीक हो जाती है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। कभी कभी सीरियस केसेस में कुछ महीने भी लग सकते हैं। इससे बचाव का तरीका यह होता है कि आपको अपनी साफ़ सफाई का, विशेष रूप से हाथों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। ताज़ा फल सब्जियों का सेवन करें अच्छी तरह धोने के बाद। बाहरी भोजन ना करें, बाहर का खाना ना खाएं, ऐसे में इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक हो जाता है। बाहर का खुला हुआ पानी ना पिएं। तो दोस्तों, साफ़ सफाई की छोटी छोटी बातों का ध्यान देके आप इस समस्या से बचाव कर सकते हैं। यदि आपको दवाइयां ज़्यादा लेनी पड़ रही हैं कोई भी, तो उसके बारे में डॉक्टर को बताएं ताकि दवाइयों के कारण आपको छोटी आंत में सूजन की समस्या ना हो।